किसानों को इसको छोट करके 3500 रुपए की छोड़ देते। जो चौड़ाई है वो 17 इंच जो है वो चौड़ाई है और 17 इंच में जो है ये लेके चलता हुआ पोस्ट ऑफ, मतलब इसमें जो है पेट्रोल टैंकी में अकेला पेट्रोल डलेगा। जो मोबिल ऑयल है वो अलग से जो है, यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से जो इसके अंदर गेज लगी हुई है ये देखिए, जैसे गाड़ियों में मोटरसाइकिल में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, आज मैं आ चुका हूं स्प्रे मैन फैक्ट्री में किसान भाइयों, और ये गिल विलेज के अंदर में पड़ती है लुधियाना में किसान भाइयों। और आज यहां पे दो वीडर हैं, छोटे मिनी वीडर हैं, हमारे साथ में हर्ष भैया हैं, इनसे इसकी बेहतरीन जानकारी लेंगे। जानकारी लेने से पहले हर्ष भैया का एक छोटा सा परिचय जानेंगे और क्या क्या नया इनोवेशन किए हैं, नई फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी लेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है हमारी जो लुधियाना के अंदर दूसरी फैक्ट्री खुल चुकी है। वैसे कि आपको पता है कि हमारी अहमदगढ़ में पहली जो है 1990 से जो है 33 साल पुरानी फैक्ट्री जो है अहमदगढ़ में है, और 80 को लेते हुए आज जो है हमने दूसरी नई फैक्ट्री के अंदर आपका स्वागत करते हैं हमारे किसान भाइयों का, कि आज जो हमने ये नई फैक्ट्री खोली है जहाँ पे हमने जो है नई तकनीक के अंदर और मशीनें लेके आनी है, नए इंजीनियर हायर करे हैं ताकि तरह तरह के जो नई तकनीक और किसानों के लिए बनाए जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी खेती को और अच्छा लाभदायक और जो है और सफलतापूर्वक और जो है कम कीमत में अच्छी पैदावार जो है वो कर सके, खेती को टेक्निकल भी बना पाएंगे। जी 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 जी, जी ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है बाकी किसानों के साथ मुकाबला कर सके। बिल्कुल भैया। भैया जैसे भी हम दो मशीनें देख पा रहे हैं, इन दोनों में आप जानकारी दीजिए इन मशीनों के बारे में। जी जी, ये जो हमारी दोनों मशीनें हैं ये मिनी टेलर हैं। जी, मिनी टेलर मतलब जो छोटे पावर टेलर हैं। जी, इसके अंदर जो है हमारा जो आज मैं आपको किसानों को दिखाना चाहता हूँ वो हमारा ये नया फोर स्ट्रोक के अंदर मिनी टेलर दिखाना चाहता हूँ। फोर स्ट्रोक के अंदर है। जी जी जी, अभी तक आपने हमारा जो है ये MT7000 हमारा पुराना टू स्ट्रोक वाला मॉडल, जिसको पिछले 4 सालों से बहुत पॉपुलर रहा है, किसानों ने बहुत जो है इसको प्यार दिया है और 10,000 से भी ऊपर मशीनें जो है ये चल रही हैं। बिल्कुल। इसके अंदर जो है आपको जैसे पता होगा कि पहले जो है टू स्ट्रोक का 3 हॉर्स पावर का इंजन था 68 cc, टू स्ट्रोक मतलब पेट्रोल के अंदर 2 टीयर। जिन किसानों का काम ज्यादा होता था, कि जैसे जिनका काम 2 एकड़ 3 एकड़ से ज्यादा का काम होता था, या जिन्हें तेल खपत का जो था फर्क पड़ता था या किराए पे चलाते थे, तो उन लोगों की डिमांड थी कि फोर स्ट्रोक। तो हमने नई फैक्ट्री के अंदर जो है ये नया इंजन जो है वो तैयार करवाया है, डिजाइन करवाया है, जिसमें हमने जो है फोर स्ट्रोक 82 cc का इंजन, बिल्कुल फोर स्ट्रोक 82 cc का जो है हमारा MT8000 मॉडल है वो हमने तैयार करवाया है। इसका मतलब है फोर स्ट्रोक, मतलब इसमें जो है पेट्रोल टैंकी में अकेला पेट्रोल डलेगा। जो मोबिल ऑयल है वो अलग से जो है, यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से जो इसके अंदर गेज लगी हुई है ये देखिए, जैसे गाड़ियों में मोटरसाइकिल में होता है, बिल्कुल तो वो वाला अलग से इसके अंदर जो है वो तेल डलता है। बिल्कुल। इसके अंदर पेट्रोल के अंदर कोई ट्यूटोरियल वगैरह मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जी। इसके अंदर जो रोटावेटर की चौड़ाई है वही हमने जो है 1.5 फुट का इसके अंदर जो है वो रोटावेटर रखा है, जो जिसके अंदर 16 ब्लेड इसके अंदर लगे हुए हैं। और जो रोटावेटर है ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने नट बोल्ट से खुलते करा हुआ है। बिल्कुल, मतलब वो फिक्स वाला नहीं है कि कल को अगर आपके ब्लेड घिस भी गए तो वो चेंज हो जाते हैं। और जो ब्लेड है वो भी काफी लंबे हैं, आप देख सकते हैं कि एक गिट से भी जो है ब्लेड की ब्लेड जो है काफी शार्प भी है, मतलब कि धार भी है पहले धार, से धार है पहले से। और ब्लेड की थिकनेस भी आप देख सकते हैं कि काफी हैवी थिकनेस में है, पतले ब्लेड इसके अंदर नहीं लगे हुए हैं। शाफट वगैरह भी जो है ये 6 पहलू की शाफट हमने इसके अंदर जो है वो लगाई है, ताकि जो है कहीं स्लिप वगैरह या शाफ्ट खराब होने का कोई ऐसा चांस ना हो। जी, एक चीज और बताइए भैया, जैसे अभी फोर स्ट्रोक में इसको लॉन्च किया है तो फ्यूल की खपत क्या रहेगी इसकी? सर, इसकी जो फोर स्ट्रोक की खासियत होती है कि फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम होती है। इस मॉडल की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 1 घंटे का जो है मात्र 600 ml है। 600 ml मात्र 600 ml जो है ये पेट्रोल लेता है। और इसके अंदर हमने ड्यूअल एयर क्लीनर लगाया, मतलब एक क्लीनर इसका ऊपर में है आप देख सकते हैं, और एक क्लीनर इसका एक नीचे में है। अच्छा। जो ऊपर वाला एयर, क्योंकि ये जो जुताई जब नीचे हो रही है तो धूल मिट्टी बहुत उठती है सूखी जमीन में, तो ये ऊपर वाला एयर क्लीनर है, ये सारी धूल मिट्टी को साफ करके खाली इसके अंदर जो है साफ हवा जाती है। और जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रहती है उसके लिए भी हमने जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये पेपर एयर फिल्टर लगाया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर एयर क्लीनर फिल्टर है इसके अंदर जैसे हमारे गाड़ियों के अंदर लगा होता है उस तरीके से सिस्टम लगा हुआ है, जिससे जो है आपकी हवा जो है पहले यहाँ पे साफ होगी और फिर जाके नीचे जो है गत्ते के पेपर के अंदर साफ होगी, और मशीन आपकी जो है वो बिना किसी दिक्कत के साथ चलती रहेगी। जी, एक चीज और बताओ कि जैसे अभी आप बता रहे हैं इसमें मोबिल ऑयल पड़ेगा इंजन में, कितना मोबिल ऑयल पड़ेगा फिलहाल? सर, इसके अंदर जो है इंजन के अंदर जो है लगभग आपका 150 ml जो है मोबिल ऑयल डलता है। 150 ml मोबिल ऑयल पड़ेगा। जी जी जी, 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 जी।
और इसके अंदर जो है आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि हमने इसके अंदर और भी जो चेंजेस करे हैं, ये पीछे की तरफ हमने अभी यहाँ पे पटा लगा दिया है जी, बिल्कुल, जिससे जो जितनी भी आगे जुताई होती थी वो मिट्टी जो है पीछे आपका जो आदमी चला रहा है, किसान चला रहा है, उसके ऊपर ना डले और मशीन के ऊपर जो है मिट्टी कम डले। पहले से टायर भी हमने बड़े कर दिए, पहले जो थे वो छोटे टायर आते थे, छोटे पर अब जो है हमने इसको टायर बड़े कर दिए हैं और ये जो हॉकी है वो भी हमने पीछे की तरफ लंबी कर दी, ताकि अगर कल को इसके पीछे किसान को इम्प्लीमेंट चलाने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा हुआ लेवलर पड़ा है, रिजर पड़ा है, तो ये इम्प्लीमेंट भी चला सकते हैं, कोई इसको कल्टीवेटर चलाना चाहता है वो भी इसके साथ चला सकता है जी, बिल्कुल। और हैंडल की हाइट भी जो है वो यहाँ से एडजस्टमेंट रखी हुई है हमने, यहाँ से ढीला करके जो हैंडल की लेंथ भी हमने बढ़ा दी है काफी ज्यादा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, एक चीज और दिख रहा है भैया, जैसे इसकी जो पेंट की क्वालिटी है, जो इसमें थिकनेस है, वो काफी अच्छी है। ये सर हमने सारा पाउडर कोटिंग करा हुआ है, ये वो नहीं है कि गन उठा के गन से रंग मार दिया, ये सारा जो है भट्टी पेंट, जो भट्टी होती है उसके अंदर इनको रख के गर्म करके फिर उसके ऊपर पेंट करा हुआ है, जिससे जो है ये जैसे बारिश वगैरह में भी खड़ा रहे तो इसको कोई जंगाल वगैरह लगने का कोई खतरा नहीं है, और जो पेंट की क्वालिटी है वो सालों साल जो है वो चलती रहे। अच्छा भैया, सबसे मतलब इसकी साइज आपने क्या बताई, जैसे गोभी वगैरह में चलाना चाहिए? ये जो है जो ये इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच जो है वो चौड़ाई है, और 17 इंच में जो है ये लेके चलता हुआ चलता है, तो आपका जैसे कि गन्ना है, हल्दी है या कपास है, तो उसके अंदर बहुत बढ़िया ये जो है गोभी वगैरह भी चल जाता है, जो 1.5 फुट के ऊपर गोभी लगाते हैं या जो 2 फुट के ऊपर लोग आलू सब्जी वगैरह का लगा काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी ये जो है चल जाता है। और सबसे बड़ी बात है जी कि ये जो डायरेक्ट गियर ड्राइव है, अच्छा, इसमें कोई बेल्ट नहीं है, कोई पुली नहीं है, कोई चेन सिस्टम नहीं है जी, इंजन जो डायरेक्ट गियर बॉक्स से जो है जुड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप नीचे से देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई बेल्ट पुली चेन का सिस्टम नहीं मिलेगा, सारा जो है गियर ड्राइव इसके अंदर काम है जी। अच्छा, एक चीज और बताओ भैया, जैसे कि अगर इससे हम कीचड़ बनाना चाहें, अभी जैसे धान का सीजन चल रहा है, तो क्या इस पे कीचड़ वगैरह की भी व्यवस्था रखी है? धान के अंदर भी चल सकते हैं, इसके लिए हमने जो ये देखिए लोहे के पहिए भी जो है साथ में इसके बनाए हैं, जो आप ये किसान भाई अगर कोई लोग इसको लोहे के पहिए लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, जिससे आप इसको गीली मिट्टी के अंदर भी चला सकते हो, जैसे कि आपको प्लेन करने का, जैसे कि धान में जो है तो लोहे के पहिए चला के आपको उसके बाद उसके पीछे लेवल करने का काम करना, तो ये दोनों चीजें आप जो है यहाँ पे चला सकते हो इकट्ठी, जिससे आपका जो है धान के अंदर या गीली मिट्टी के अंदर भी काम आपका आसानी से हो सकता है जी। और रीजर तो है ही है इसके साथ में, रीजर लगाना चाहिए, रीजर की जो क्वालिटी दी है काफी मतलब अच्छी दी है इसमें, मतलब नाली अगर कोई सब्जी लगानी है तो नाली बना सकते हैं, या आपको उसके ऊपर मिट्टी दोबारा चढ़ानी, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी जो है वो ढह जाती है, तो दोबारा मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, तो वो सब काम आप इससे कर सकते हैं जी। एक चीज और बताओ भैया, जैसे अभी नई मशीन है ये, बिल्कुल ये परफेक्ट मशीन है, ये बताइए कि इसका अगर हम सर्विस करेंगे कितने घंटे पे करनी होगी इस मशीन को सर्विस, और कहां से कैसे तेल वगैरह? इसकी जो पहली सर्विस है वो होती है 10 घंटे चलाने के बाद, बिल्कुल, जो 10 घंटे चलाने के बाद आपको जो है इसका मोबिल ऑयल, जो इंजन का मोबिल ऑयल है वो चेंज करना है, ये टेढ़ा करके जो है निकल जाता है और सीधा करके इसके अंदर डल जाता है, और इसके बाद अगर इसके बाद हमने इसके साथ जो है वो कीप वगैरह भी दे रखी है, ताकि अगर आपको इसके साथ कल को मोबिल ऑयल डालना है तो आप कीप वगैरह लगा के जो है मोबिल ऑयल डाल सकते हैं जी। और उसके बाद इसकी जो सर्विस है वो 25-25 घंटे मशीन चलने के बाद जो है वो होती है। फ्यूल टैंक इसका कितने लीटर का है? फ्यूल टैंक इसका जो है वो 1.5 लीटर का है जी, 1.5 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है जी। जैसे बताया आपने 82 सीसी में, इसमें एचपी होता है या केवल सीसी? ये जो है 4 HP का जो है इंजन है जी, 82 सीसी का इंजन है, और जो हमारा 2 स्ट्रोक वाला है वो 68 सीसी का 3 हॉर्स पावर का इंजन है, 3 हॉर्स पावर का इंजन जी भैया। और ये सबसे है कि ये लाइट वेट है जी, आप जी। इसको जैसे मर्जी जो है आसानी से अकेला आदमी उठा के जहां मर्जी इसको लेके जा सकता है, या एक गुल से उठा के दूसरे गुल में जो है वो रखना चाहता है तो वो रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अच्छा, एक चीज और बताओ भैया, जैसे ये मशीन अभी नई लॉन्च किया है, नई फैक्ट्री आपने बनाया है जी, तो हमारे किसान भाइयों को इस पे कुछ वारंटी गारंटी भी मिलेगी मशीनों जी? जी, वो हमारे तो हमेशा जो है स्प्रे मैन के जितने भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर वारंटी कवर होती है, 1 साल की वारंटी साथ में रहेगी, और किसान भाइयों को हम एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट भी जो है वो साथ में देते हैं, जैसे कि उसको जो है कल को अगर कभी उसका प्लग शॉर्ट हो गया तो वो प्लग उसको एक्स्ट्रा साथ में अभी फ्री मिलेगा, ये सीलें जो है वो एक्स्ट्रा साथ में मिलती हैं, टूल किट में आपको ये चाबी पाना पेच का सब मिलता है, ताकि कल को कोई छोटी मोटी रिपेयर हो तो किसान भाई खुद वो जो है कर सकता है। और इसके ऊपर जैसे कि सूखी मिट्टी में काम करना है तो चश्मा, या बारिश में काम करना है तो चश्मे की सुविधा भी साथ में दी मिट्टी है, ताकि ना जाए, धूल मिट्टी आंख में ना जाए, जैसे बारिश भी हो जाए तब भी कई बार काम नहीं करा जाता, क्योंकि इंजन जो है वाटर प्रूफ इंजन है, बिल्कुल पानी से इन्हें कुछ नहीं होता है, पर किसान की जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो दिखता मुश्किल से है, तो उस पर वो चश्मे भी लगा सकता है, या जैसे कि सर्दियों में काम करना है तो अब जो है वो दस्ताने भी जो है वो डाल सकते हैं, ताकि जो पूरी सुविधाएं जो है किसानों की हर मतलब उसको देखते हुए है इस मशीन को, क्योंकि हमारी मशीन जो है
वो पूरे के पूरे 12 महीने काम आने वाली मशीन है, तो जो साथ में सामान दिया वो भी इस हिसाब से दिए कि मशीन को जो आदमी चलाने वाला वो भी इसको 12 महीने चला सके। जैसे आपकी एक मशीन थी 5.5 एचपी वाली, बड़ी बड़ा डिमांड था उसका। हाँ, वो मॉडल तो जो है अभी उसकी इतनी डिमांड है, वो तो बेचारा शॉर्टेज में ही चलता रहता है। जी भैया, अच्छा एक चीज और बताओ, अभी जैसे नई फैक्ट्री बनी है तो प्राइस क्या देने, और ऐसा कुछ प्राइस दो कि हमारे किसान भाई एकदम वो हो जाए, खुश हो जाए। जी जी, जैसे कि सर आपको पता ही होगा जी, इसका जो मार्केट में पोस्टॉक वाले मॉडल जितने भी आते हैं 28-30 हजार से कम का कोई वीडर मिलता हाँ, नहीं इससे है। नीचे नहीं आता। इससे नीचे तो सारे टू स्ट्रोक वाले वीडर ही आपको बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये पहले तो हमारा जो 68 cc टू स्ट्रोक वाला मॉडल है, जो MT7000 मॉडल है, इसका हमने जो है इसके अंदर खूबियां तो बढ़ा दी, जैसे कि टायर बड़े कर दिए, जो पीछे मडगार ये मिट्टी रोकने वाला लगा दिया, हैंडल लंबाई कर दी है, और ये पीछे की हॉकी भी लंबी कर दी है, पर हमने इसका जो है रेट नहीं बढ़ाते हुए इसको वही जो है 21,500 के अंदर फ्री होम डिलीवरी के साथ ही रेट रखा है। 21,500 में कुछ इंप्लीमेंट भी है बस ऐसे। इसके साथ जो है आपको रोटावेटर मिलेगा, और ये जो स्पेयर पार्ट की पूरी किट है, आपको ये दो चीजें जो है वो पूरी इसके साथ 21,500 के अंदर, 21,500 के अंदर मिलेगी बिल्कुल। और साथ ही मैं इसके अंदर मैं एक चीज और बताना भूल गया कि ये जो है वो आपको टूटी ऑयल मिक्स करने की कैन, ये हमने स्पेशली इस मशीन के लिए बनाई है, क्योंकि आगे क्या था कि लोग जो है वो टूटी ऑयल कम ज्यादा डाल देते, पूरी का हिसाब लेके डाल देते, पर अब जो ये कैन की मदद से किसानों को टूटी ऑयल डालना सीधा झंझट, कोई झंझट नहीं है। इसमें आपको पूरा पेट्रोल भर लेना है, इसमें आपको अपना टूटी ऑयल भर लेना है, उसके बाद मिक्स करके जो है इसकी पेट्रोल टंकी में खाली कर देना है। इससे ना तो आपका टूटी ऑयल जो है वो कम ज्यादा डलेगा, और मशीन की कोई आपका रिंग पिस्टन कटने की कोई ऐसी खराबी नहीं आने वाली, मशीन आपकी सालों साल चलने वाली है। बिल्कुल 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 भैया बिल्कुल। अच्छा ये जो दूसरा फोर स्ट्रोक में है, इसकी क्या प्राइस देने वाले हैं अभी? इसकी सर वैसे तो अगर मैं चाहूँ तो इसकी अभी अगर हम इसको बेचने के चले कि अगर कुछ कमाई करना है, तो इसकी जो प्राइस है वो हमें जो है वो 27,500 से कम नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, पर नई फैक्ट्री किसानों की मदद से ही खुल पाई है, 30 साल पहले प्यार दिया है, और अभी हमें और ज्यादा काफी बड़ा वो कर दिया है, और ज्यादा किसानों के प्यार की तो इस वक्त और जरूरत है, क्योंकि हमें ये नई फैक्ट्री अभी इसको और आगे की तरफ चलाना है। बिल्कुल, तो किसानों का प्यार चाहिए, किसानों के ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर चाहिए, वो तो बिना उनकी हो ही नहीं सकता है। तो इसको जो है हमने जो है सिर्फ कुछ समय के लिए जो है किसानों को इसको छोट करके 3500 रुपए की छोड़ देके इसको जो है 24,000 का देने का हमने सोचा। 24,000 में मात्र जी, मात्र मतलब 4 स्ट्रोक के इंजन के साथ में 24,000 में ये मशीन आप देने वाले हैं। 86 cc 4 स्ट्रोक का इंजन जिसमें कोई टूटी वाली नहीं डलता है, आवाज बहुत ज्यादा कम है, धुआं कुछ नहीं करता है, वो हमने जो है 27,500 की ना देके किसानों को जो है वो 24,000 की देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 15 अगस्त तक। अच्छा 15 अगस्त तक देश की आजादी के दिन तक जो है वो 15 अगस्त तक जो है वो किसानों को जो है ये मिलेगा 24,000 के बाद। उसके बाद हमें इसको वापस रेट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है हम इसको मॉडल को आगे, मतलब 15 अगस्त से पहले ज्यादा से ज्यादा किसान इसको बुक करवाएं, ज्यादा से ज्यादा बुक करवाएं, और 3500 का फायदा वो जो है पा सकते हैं, क्योंकि पोस्टो का वीडर किसान भाइयों मानिए किसी भी कंपनी का जहां मर्जी पता कर लीजिए, आपको जो है 27,000 से कम कहीं का नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे सस्ता ये बन ही नहीं पाता है, इसको तो जो है लागत हम कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा इसके साथ रोटावेटर तो मिलेगा ही, अलग से अगर कोई इम्प्लीमेंट इसमें लेना चाहे हमारा कोई फार्मर, तो उसकी क्या प्राइस रहेगी? जी अलग से वो इम्प्लीमेंट भी, जैसे कि रीजर लेना चाहता है तो लेवलर देना चाहता है, तो ये इम्प्लीमेंट भी जो है हमारे 1,000 रुपए के अंदर ही आ जाते हैं, 1,000 के अंदर ही आ जाते हैं। अलग अलग इम्प्लीमेंट के अलग अलग कॉस्ट है, लोहे के पहियों के अलग है, तो वो उसकी जो है पूरी लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, वो चीजें किसानों को साथ में वो लिस्ट अगर चाहिए दोगे तो वो दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, काफी अच्छी जानकारी। अच्छा एक चीज और बताओ, अभी ये जो फैक्ट्री है लुधियाना के अंदर में है, गिल विलेज में है, अगर हमारा कोई किसान भाई है, कोई बिहार में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई महाराष्ट्र में है, अलग अलग क्षेत्रों से है भारत के, वो अगर मंगवाना चाहता है तो मंगवाने का क्या प्रोसेस है इन मशीनों को, ताकि उनके घर पे ये मशीन सेफ पहुंच जाए? जी सर, इसको जो है देखिए, अभी तो हमने लुधियाना में आ गए हैं, तो किसानों को हमारे पास आना अभी और आसान हो गया है, क्योंकि लुधियाना बड़ा स्टेशन था, सभी यहीं आते थे, तो अगर वो आना चाहते हैं तो वो लुधियाना वाली फैक्ट्री में आ सकते हैं, देख सकते हैं, चला के भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारी फैक्ट्री भी देख सकते हैं, ठीक है, और संतुष्टि होने पर अगर वो लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं या बुक करवा सकते हैं, पर किसी कारणवश जो किसान नहीं आ सकते हैं तो वो इनको जो है वो बुक भी करा सकते हैं, जो आपको स्क्रीन के नीचे नंबर दिख रहे हैं इनके ऊपर आप फोन कीजिए, इनके मशीन के बारे में जानकारी लीजिए, संतुष्टि होने पर इनकी जो है बुकिंग अमाउंट 2500 रुपया जो है वो कंपनी के अकाउंट में उन्हें डालनी है, अपना एड्रेस देना है, और जो है मशीन हम यहाँ से भेज देंगे मात्र 2500 रुपया लेकर, और मशीन जब आपके उनके राज्य में पहुंच जाएगी नजदीकी ट्रांसपोर्ट में, तब उन्हें बाकी का पेमेंट क्लियर करना, मशीन जो है उनकी घर पे डिलीवर किसानों के हो जाएगी। जी तो हर्ष भी आपने काफी बेहतरीन जानकारी दी इन मशीनों के बारे में, इसके लिए मेरी तरफ से और मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका और आपकी नई कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
तो किसान भाई आज की जो वीडियो थी वो स्प्रे मैन कंपनी की थी, जो कि नई फैक्ट्री इनकी अभी लुधियाना में खुली है। यहाँ पे नया नया इनोवेशन हो रहा है किसान भाई, मशीनों की पूरी पूरी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है ऐसी ही मशीनों को भेज दिया जा रहा है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। और काफी बड़ी सौगात ये जो नई फैक्ट्री खुली है, काफी बड़ी सौगात किसानों के लिए लेकर आई है। 4 HP के इंजन के साथ में 82 CC मशीन है, 4 स्ट्रोक का इंजन इसमें लगा हुआ है, कोई ट्यूटोरियल नहीं पड़ेगा किसान भाई। मात्र 24,000 रुपए में किसान भाई डिलीवरी होने वाली है और काफी अच्छी मशीन है। इस मशीन को खरीद के किसान भाई आप अपनी खेती को टेक्निकल और बेहतरीन बना सकते हैं कम और सस्ते दामों में किसान भाई। तो किसान भाई मैं आशा करता हूं आज की ये वीडियो मेरे साथ और हर्ष भैया के साथ काफी बेहतरीन और अच्छी लगी होगी। तो मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।